Good morning, students. Today I am going to teach you topic partners capital account. There are two types of capital accounts: fixed capital account and fluctuating capital account. While preparing fixed capital account, there are two accounts: partners capital account and partners current account. जब हम partners capital account बनाते हैं, capital account has credit balance. We will write by balance brought down. और डेबिट साइड में हम लिखते हैं टू कैश और टू बैंक. इफ पार्टनर इज विदड्रॉइंग परमानेंटली वी विल राइट इन डेबिट साइड. एंड इफ एनी पार्टनर इज ब्रिंगिंग एडिशनल कैपिटल देन वी राइट बाय कैश और बाय बैंक अकाउंट. अदर एडजस्टमेंट विल बी शोन इन पार्टनर्स करंट अकाउंट. इन क्रेडिट साइड ऑफ करंट अकाउंट बाय बैलेंस ब्रोट डाउन. अगर पार्टनर्स करंट अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस है तो हम क्रेडिट साइड में लिखेंगे बाय बैलेंस ब्रोट डाउन. अगर इनका डेबिट बैलेंस है तो टू बैलेंस ब्रोट डाउन. क्रेडिट और डेबिट दोनों ही बैलेंस हो सकते हैं करंट अकाउंट में. और बाकी एडजस्टमेंट जो है वो करंट अकाउंट में जाएंगी, कैपिटल अकाउंट में नहीं जाएंगी. अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है तो बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल. यू नो इट हैज़ बेसिक रूल, कैपिटल अकाउंट हैज़ बेसिक रूल. इफ देर इज इंक्रीज इन द कैपिटल दैट विल बी शोन इन क्रेडिट साइड. इफ देर इज डिक्रीज दैट विल बी शोन इन डेबिट साइड. तो अगर किसी पार्टनर को सैलरी मिल रही है बाय सैलरी अकाउंट, इट्स गेन, इट्स इंक्रीज इन द कैपिटल, ठीक है, इसलिए हम क्रेडिट साइड में लिखेंगे. कमीशन से कमीशन मिल रही है बाय कमीशन अकाउंट. और प्रॉफिट बी एन एल एप्रोपेशन से जो प्रॉफिट पार्टनर्स को मिल रहा है वो भी इसके लिए गेन है. कैपिटल इसकी इंक्रीज हो रही है बाय पी एन एल एप्रोपेशन अकाउंट. और डेबिट साइड में जिससे इसकी कैपिटल कम हो रही है, टू बैलेंस ब्रोट डाउन तो लिख दिया. अगर इसका बैलेंस डेबिट है ओपनिंग बैलेंस, अगर पार्टनर विदड्रॉ करता है टू ड्रॉइंग्स अकाउंट. अगर हम फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट बनाते हैं, फ्लक्चुएटिंग में सारी एडजस्टमेंट ही करंट अकाउंट में जाती हैं, ठीक है. अगर इसका क्रेडिट ओपनिंग बैलेंस है तो हम लिखेंगे बाय बैलेंस ब्रोट डाउन. अगर एडिशनल कैपिटल आ रहा है कोई पार्टनर तो बाय कैश और बैंक अकाउंट. इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अगर दे रखा है, किसी पार्टनर को मिल रहा है, फॉर्म इज गिविंग, तो बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल. ये भी एक ही कैपिटल अकाउंट में जाएंगे. यू नो फ्लक्चुएटिंग कैपिटल की कैपिटल फ्लक्चुएट होती रहती है, इसलिए हम इसे फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट बनाते हैं. जबकि फिक्स कैपिटल अकाउंट आते हैं इसमें मेन तो बैलेंस ही आते हैं, या फिर वो परमानेंटली कोई पार्टनर विदड्रॉ कर रहा है या एडिशनल कैपिटल आ रहा है तो इसमें जाएगी. अब सैलरी मिल रही बाय सैलरी अकाउंट, और प्रॉफिट भी इसका एक ही कैपिटल अकाउंट में आएगा बाय प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोवेशन अकाउंट. और डेबिट साइड में अगर हम इसका क्रेडिट डेबिट बैलेंस इन केस ऑफ डेबिट ओपनिंग बैलेंस, ओपनिंग बैलेंस डेबिट है तो हम डेबिट में ही लिखेंगे. और कोई पार्टनर विदड्रॉ कर रहा है टू ड्रॉइंग अकाउंट. और इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग अगर कोई पार्टनर फॉर्म को दे रहा है इसकी कैपिटल कम हो रही है तो हम डेबिट में लिखेंगे टू इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग. ऐसे ही अगर लॉस दे रखा है तो टू पी एंड एल अकाउंट, और फिर बैलेंस इसका निकालते हैं. तो आपको ये रिवाइज करना है, फिर इसके बेस पर हम प्रैक्टिकल क्वेश्चन करेंगे. थैंक यू.